काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और मृत्यु। लेकिन भगवान शिव समय, काल और ब्रह्मांड सबके मालिक हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ की वो राजा कहलाते हैं, और वो है अवंतिका, यानी कि मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति गुप्ता आज आपके लिए लेकर आई हूँ महादेव की नगरी अवंतिका से जुड़ी कुछ अनसुलझे रहस्य। क्या आपको पता है कि सत्ता से जुड़ा कोई भी राजा अवंतिका में एक रात नहीं रुक सकता? क्या आपको पता है कोई और राजा उज्जैन की नगरी में रात को रुकने से क्यों डरता है, और अगर वो रुक भी जाए तो वहाँ पर क्या होता है? तो क्या है महादेव की नगरी अवंतिका के राज, बताएंगे आपको आज। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़े कई रहस्यों को इस नगरी ने अपने अंदर समेट के रखा है। भारत भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक उज्जैन की नगरी महाकाल के मंदिर में विराजमान है, और ये इकलौता मंदिर ऐसा है जो दक्षिण मुखी है, और मान्यता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु की और काल की दिशा है। लेकिन भगवान शिव तो कालों के काल महाकाल है, और उनका किसी पर जोर नहीं चलता। महाकाल की पावन धरा पर तमाम ऐसे राज हैं जिनके रहस्य कोई नहीं जानता, और अगर कोई जानता भी है तो उससे पर्दा नहीं उठाना चाहता। क्या आप जानते हैं जहाँ के राजा महादेव है वही पूरे आसमान, पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती का केंद्र है, और उज्जैन को ही आसमान का केंद्र कहा जाता है। मतलब साफ है कि उज्जैन की नगरी से ही ब्रह्मांड के काल का समय निर्धारित किया जाता है, उज्जैन से ही ब्रह्मांड के काल की गणना होती है, तभी तो इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि महाकाल की नगरी में आखिरकार कोई राजा रात्रि निवास क्यों नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करने का दुस्साहस भी करता है तो उससे उसकी सत्ता छिन जाती है। मान्यता है कि जब से राजा विक्रमादित्य ने 32 बोलने वाली पुतलियों से लैस अपने सिंहासन को छोड़ा था, तभी से उनके शासन के बाद कोई और राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं कर सकता। ये कथा सिंहासन 32 ही और राजा भोज के जमाने से प्रचलित है। और अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते और इसे अंधविश्वास कहते हैं, तो इसके कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं जिन्हें मैं आपको आज बताऊंगी। दोस्तों, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने शासन काल में उज्जैन में एक रात्रि का निवास किया था, लेकिन अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी येदियुरप्पा राय भी अपने शासन काल में उज्जैन में रुके थे, लेकिन 20 दिनों के बाद ही उन्हें अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन में एक रात्रि नहीं रुकते। इसलिए उज्जैन में ना तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति और न ही सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि रात्रि निवास नहीं करता, और अगर ऐसा करता है तो उसकी सत्ता उससे छिन जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको महादेव की नगरी अवंतिका के कुछ अनसुलझे रहस्य समझ में आए होंगे। तो आपको समझ में जरूर आया होगा कि आखिर क्यों कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं कर सकता। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य लेकर आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।